मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी, यहां आ रही थी, मैंने सोचा देखूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। शायद कटरा का भाषण था। भाषण को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है, थोड़ी ईमानदारी, कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी सी सच्चाई, एक कर्मठता, एक गंभीरता कि जनता की क्या समस्याएं हैं, ये नेता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और मुझे उस मोदी जी के भाषण में लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। वो कहने लगे कि 10 सालों से यहां का जो रेलवे स्टेशन है, हमने इस रेलवे स्टेशन को में सुधार हम लाए हैं, इसमें परिवर्तन लाए हैं। मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। विकास की एक धारा होती है, जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहां बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूं घुमा के फोन करना पड़ता था, जम्मू से दिल्ली फोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी, 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है, परिवर्तन होता है, विकास होता है, रेलवे स्टेशन में सुधार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया, ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे। वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस, वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफिल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपका हक था। और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था, अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।